भाई साहब जब अवैध कब्जा करेंगे तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, चाहे आज जाइए या फिर चाहे कल जाइए। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में देखने को मिला, जब चकमार्ग पर अवैध कब्जा करके निर्माण कार्य कर रहे थे तो दो लोगों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामला कोतवाली बदोसराय क्षेत्र के कोटरा धाम का है और वो भी कारीदेवन तालाब के पास का, जहाँ पर राधे श्याम द्वारा बेची गई जमीन पर राजू अर्ध भवन निर्माण कार्य करवा रहा था। सूचना मिलते ही लेखपाल कोटवा धाम ने शनिवार को निर्माण न करने की बात भी कही, लेकिन फिर भी न मानने पर शाम की सूचना जैसे ही उपजिलाधिकारी प्रदीप सिंह चौहान को मिली तो एसडीएम ने लेखपाल को कोतवाली बदोसराय के साथ भेजा और उसके बाद होना क्या था, ट्रैक्टर मशीन और साथ ही राजू और राधे शाम को पुलिस के सुपुर्द कराया गया और कोतवाली बदोसराय पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और साथ ही शांति व्यवस्था भंग करने को लेकर जेल भेज दिया। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए एबीएन न्यूज 24 की ब्यूरो रिपोर्ट। और इस तरह की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस तरह की तमाम खबरें आपको मिलेंगी सिर्फ एबीएन न्यूज 24 पर।